सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अभी सुबह 9 बज रहा है और अभी देख सकते हो मेरा फेस किस टाइप से दिख रहा है। जस्ट अभी सो के उठा है ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैं 1 घंटा पहले से उठ चुका हूँ और अभी कर रहा था मैं स्टडी। और अभी मेरे को करना है, मेरा ये डेली का रूटीन होता है कि मेरे को बर्तन वॉश करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है खाना बनाने का वो भाई करेगा। तो मैं अभी अच्छे से वॉश कर लेता हूँ बर्तन वगैरह और अपना ये फेस वगैरह भी धो लेता हूँ, उसके बाद गाइस आप लोगों से मिलता हूँ। तो प्लीज़ आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं गाइस। A few moments later. So guys, मैंने अभी बर्तन पूरा वॉश कर लिया है, उसके बाद मैंने फेस वगैरह भी अच्छे से धो लिया है, ब्रश भी कर लिया हूँ। अब बनाते हैं चाय, चाय तैयारी करते हैं। अच्छे से धो लिया हूँ गाइस फेस वगैरह मैंने, कुछ इस तरह से दिख रहा हूँ अभी। तो गाइस मेरा सुबह का चाय तो हो गया। A few moments later. So guys, अभी हम लोग सिस्टम में फोटो एडिटिंग कर रहे हैं और ये है हम लोगों का ग्रुप, देख सकते हो भाई सब बिजी है अभी एडिटिंग करने में। कुछ नहीं होता भाई, देख सकते हो ये सिस्टम और चल रहा है अभी शादी वाला एल्बम, यहाँ पर एडिटिंग हो रहा है। अगर किसी को एडिटिंग कराना है प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए। लक्ष्मी फोटो स्टूडियो संपर्क कर सकते हो, लक्ष्मी फोटो स्टूडियो कवर्धा। और हम लोग अभी रूम में, आज शॉप बंद है तो रूम ही में फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं हम लोगों का वर्क, तो यही कर रहे हैं गाइस अभी बहुत टाइम से यही कर रहे हैं। बहुत सारा एल्बम है अभी फोटो, उसको एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है और हर चीज़ फिल्टर करना पड़ता है, उसमें हर चीज़ फ्रेम डालना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करते हैं फोटोग्राफर लोग भी, तब जाके उन लोगों को मेहनत का फल मिलता है। और हम लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं तो उसमें कमियाँ निकालते रहते हैं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, बट अभी रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे कैसे एडिटिंग करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा एक पिक कट चुका है हम लोगों का एडिटिंग करते करते चक्कर में, सेव करना होता है बीच बीच में हर चीज़ को, तो हम लोग भूल गए थे उसको सेव करना, तो थोड़ा सा एक दो चार पिक कट चुका है, तो वही हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कि रिकवरी होगा कि नहीं, तो वही है अभी कर रहे हैं हम लोग एडिटिंग। इस तरह से आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ मैं फिर से कर रहा हूँ जिस तरह से, तो वही कर रहे हैं अभी एडिटिंग का काम। और ये है हमारा एडिटिंग मास्टर, मास्क तो निकालो भाई साहब, चलो ठीक है गाइस थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए जल्दी से हम लोगों का एडिटिंग वर्क। सो गाइस अभी हम लोगों का एडिटिंग वर्क चल ही रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ है और हर एक फ़ोटोज़ को एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, कि हर एक फ़ोटो में किस में लाइट कम है तो उसमें लाइट देना है, किस में फ़िल्टर देना है, किस में कौन से नंबर का फ़िल्टर देना है, और फेस को स्किन कैसे करना है, साफ़ कैसे करना है, और इसके लिए बहुत से शॉर्टकट की भी होता है, तो इन सब को याद करना पड़ता है। और ये सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है एक फ़ोटो को एडिट करने में, तो उसी के लिए अभी हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे करके लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से है ये रूम, तो यही है भाई लोग अभी एडिटिंग कर रहे हैं, साथ में मैं भी उनको हेल्प कर रहा हूँ। तो अभी एक साथ बैठ कर एडिटिंग का काम कर रहे हैं और काफ़ी सारा फंक्शन भी यहाँ पर देखना पड़ता है, कौन सा पिक को कहाँ लाना है, कौन सा पिक को किस साइज में देना है, और ये सारा पिक को हम लोग एल्बम में निकाल के कस्टमर को देंगे सामने वाले को, तो
काफ़ी टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में। हमको भले ही लगता है कि कम बैठे बैठे तो काम करना है कंप्यूटर में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है और मेहनत भी उसी टाइप से लगता है। तो ये है, तो अभी भाई लोग लगे हुए हैं और अभी पवन भाई कर रहा है एडिटिंग, और ये भाई तो एडिटिंग मास्टर है, तो अभी उसको बता रहा है जिसको उसको पता नहीं है कि इसमें क्या होता है, उसी को बता रहा है। इसमें ना गाइस शॉर्टकट की को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शन होने के साथ शॉर्टकट की भी बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल प्लस वी। A few moments later. गाइस अभी मैं रूम के बाहर आ गया हूँ, बिकॉज रूम अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, और भाई लोग अभी कर रहे हैं एडिटिंग, वही कर रहे हैं एडिटिंग का कार्य, तो मैं भी बाहर आ गया हूँ और मैं भी सीखने वाला हूँ ये कार्य थोड़ा सा एडिटिंग। तो वही मैं देख रहा था बैठ के, और थोड़ा कुछ को जान चुका हूँ भी, कौन से कंट्रोल शिफ्ट क्या दबाने से, कौन से शॉर्टकट की दबाने से क्या होता है, कौन से फिल्टर आता है, किसमें लाइट आता है, किसमें फेस को चेंज किया जाता है, ये सब मैं भी थोड़ा सा बैठ के देख रहा था। और कुछ कुछ मैं मेरे को पहले से आता था, तो वही मैं भी देख रहा था, और उसको उनको हो जाने के बाद मैं दोबारा मतलब अभ्यास प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाएगा धीरे धीरे। सो भाई अभी हम लोगों के लिए एडिटिंग का काम अभी बंद कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और ज़्यादा टाइम बैठने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। और भाई लोग अभी बाहर गए हैं कुछ काम से, तो इसलिए और बंद कर दिए हैं, और बाद में करेंगे उसको, क्योंकि बहुत सारा था तो एक साथ नहीं हो पा रहा था, तो अभी ब्रेक कर दिए हैं। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पर बरामदे में हवा ले रहा हूँ, क्योंकि उस बात काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है गाइस, गर्मी भी बढ़ चुका है, तो अभी मैं यहाँ पर सामने में हवा ले रहा हूँ, यहीं पर सामने से हवा आता है। और अभी दोपहर नहीं, 4 बजने वाला है शाम के, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ गाइस, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहा है, और अभी मैं रोज की तरह उसी बालकनी में आके खड़ा हूँ, बिकॉज यहाँ सामने विंडो से बहुत ठंडी ठंडी हवा आता है, और दिन भर कमरे के तापमान से हम लोग पक जाते हैं गरम गरम हवा से, तो इतना टाइम यहाँ पर आके मैं खड़ा रहता हूँ, क्योंकि सामने ये विंडो है गाइस, इधर देख सकते हो ये जाली जाली टाइप का दिख रहा है, उसी विंडो से सामने से ठंडी ठंडी हवा जो आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी शाम के तो कहीं जा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर कवर्धा में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कहीं जाने का तो प्लान नहीं है, और जा भी सकते हैं तो पुलिस वाले घर लगे हुए हैं ड्यूटी में, और कोरोना भी बढ़ते जा रहा है गाइस, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बाहर, बिकॉज जाते और अभी कुछ दिनों तक के लॉकडाउन, जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक मैं आपको इसी तरह से अपना लाइफस्टाइल वीडियो अपलोड करता रहूँगा गाइस। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो आई होप गाइस आज की ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको वीडियो कैसा लगता है गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और मिलता हूँ इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक हमें इजाज़त दिए गाइस, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना, और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।